हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर लॉन्चर एजुकेशन सेंटर। मैं हूं आशीष सर। हम मिले बेसिस सुरेश नाम के इस लेसन में। सो गाइस, क्या चल रहा था हमारा लास्ट लेक्चर में, याद करने की कोशिश कीजिए। जहां तक मुझे अंदाजा है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात कर लिए थे रॉड्स लॉ की। किसकी बात कर लेते? रॉड्स लॉ की बात कर लेते। और रॉड्स लॉ को पढ़ने से पहले मुझे ऐसा लगता है हम लोगों ने बात किए थे वेपर प्रेशर के बारे में। किसके बारे में बात किए थे? वेपर प्रेशर के बारे में। सो गाइस, क्या होता है वेपर प्रेशर, याद करने की कोशिश कीजिए। मैंने एग्जांपल से भी समझाया था, जैसे कंटेनर है, ये क्लोज कंटेनर है, यहाँ पे एक मेरा सोल्यूशन है, यहाँ पे मेरा सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है। ओके, क्या हो जाएगा, यहाँ के जो पार्टिकल्स है, फिर वो सोल्यूट करे या सॉल्वेंट करे, जब ये ऊपर में जाके नीचे में स्ट्राइक करेंगे, खुद की ओन सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, तो एक प्रेशर से यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, तो उस समय जो वहां पे प्रेशर क्रिएट होगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड वेपर प्रेशर। इट मीन दैट द प्रेशर एग्जर्टेड बाय पार्टिकल ऑन इट्स ओन सर्फेस। जब वही पार्टिकल खुद के ओन सर्फेस के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, उसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? वेपर प्रेशर कहते हैं। ओके, एंड दिस वन मेक श्योर अस अबाउट रॉड्स लॉ। एंड वॉट अबाउट रॉड्स लॉ? रॉड्स लॉ हमें क्या कहते हैं, जो टोटल प्रेशर होता है, क्या होता है हमारा टोटल प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू प्रेशर एग्जर्टेड बाय सोल्यूट प्लस प्रेशर एग्जर्टेड बाय सॉल्वेंट, जिसको हम लोग कंपोनेंट वन कंपोनेंट टू लिए थे इन अ सोल्यूशन। सोल्यूशन में जो हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट है, उनके जो प्रेशर एग्जर्ट होंगे, ओके, उसी का सम अगर हम लोग करते, दैट इज व्हाट टोटल प्रेशर हो जाएगा। ये किसने एक्सप्लेन किया था हमें? रॉड्स लॉ ने एक्सप्लेन किया था। किसने एक्सप्लेन किया था? रॉड्स लॉ ने। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिए थे। व्हेयरएज प्रेशर ऑफ सोल्यूट प्रेशर बाय सॉल्वेंट इन अ सोल्यूशन, ये क्या चीज होती है भी हम लोगों ने देख लिए थे, बराबर है ना। ये सब पढ़ने के बाद आज जो हमारा टॉपिक है बेटा, आई होप सो इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, क्योंकि अगर ये चीज आप लोगों ने नहीं समझे ना बेटा, तो आप लोगों को अभी जो हम लोग सामने में पोर्शन पढ़ने वाले हैं उनमें आप लोगों को समझने के लिए दिक्कत आएंगी। सो गाइज, आप हमेशा जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं उसको जानने के लिए आप लोगों को पहले के वीडियो क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उनको आप लोगों को देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर एक चीज का बेसिक कंसेप्ट उसके पहले वाले प्रीवियस वाले वीडियो में होता है। सो गाइस, उसको देखना भूलिएगा मत। ओके, सो गाइस, कंटिन्यू करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस। क्या है टॉपिक का नाम? आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस, सॉरी, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सॉरी, आज का हमारा टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या होते हैं हमारे आइडियल सॉल्यूशन और क्या होते हैं हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी टॉपिक आप लोगों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक वैसे इंपॉर्टेंट होता है, बस आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना सीरियसली लेते हो या कितना लाइटली लेते हो। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। सो सर, क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन या फिर क्या होता है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन? किस सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, किस सॉल्यूशन को हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे? क्या होते हैं ये सॉल्यूशन? सॉल्यूशन तो ये सॉल्यूशन, इसका मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोगों ने मिक्स किया, मतलब सॉल्यूशन बनाया। लेकिन उनको हम लोग अगर किसी प्रॉपर नाम से बात कर रहे हैं, कोई एक आइडियल सॉल्यूशन है, कोई एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, अगर हम लोग ऐसा कुछ तो भी बोल रहे हैं, तो क्या है ये? क्या होता है हमारा आइडियल सॉल्यूशन, क्या होता है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन? सो गाइस, बात करेंगे हम लोग, स्टार्ट करेंगे किससे? आइडियल सॉल्यूशन से। ओके, आइडियल सॉल्यूशन। सो गाइस, किसे कहेंगे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन? उन सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे गाइस, जो ये तीन कंडीशन बेसिकली फॉलो करेगा। फर्स्ट वन, ओके, दोस सॉल्यूशन आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन विच ओबे और फॉलोज रॉड्स लॉ। ऐसे सॉल्यूशन दोस विच फॉलोज और ओबे रॉड्स लॉ। ऐसे सॉल्यूशन जो रॉड्स लॉ को फॉलो करते हैं या ओबे करते हैं, उन सभी सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। अब रॉड्स लॉ के बारे में हम लोगों ने तो अब लोगों को अभी बता दिया था कि रॉड्स लॉ क्या कहता है बेटा, जो हमारा टोटल प्रेशर होता है ये हमेशा इक्वल रहता है P1 प्लस P2 के, ऐसा और हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे। और ये चीज क्या होती है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर चुका हूं मैं, इसलिए बोला था बेटा कि आप लोग ये वीडियो तभी समझेगा जब आप इसके पहले के प्रीवियस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लोगे, क्योंकि उसी के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है। मैं बोला भी था आपके लिए हर एक लेक्चर इंपॉर्टेंट है बेटा, हर एक लेक्चर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको अगर कोई भी चीज समझ जाए तो प्रीवियस चीजों को छोड़िए मत। सो क्या कहा बेटा मैंने, आइडियल सॉल्यूशन हम लोग किसे कहेंगे? हम आइडियल सॉल्यूशन उन सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे जो फॉलो
करते हैं या ओबे करते हैं, इसको फॉलो करते हैं या ओबे करते हैं बेटा, रॉस लॉ को फॉलो करते हैं या ओबे करते हैं, मींस दैट अब ये चीजें क्या होती है, किस तरह से होती है, हम लोग आगे में देखेंगे, पहले हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इसके कुछ पॉइंट्स को, ठीक है। चलो ठीक है सर, हम लोगों ने पहली बात लिख ली है कि जो हमारे सॉल्यूशन ओबे करेंगे या फॉलो करेंगे, किसको, रॉस लॉ को फॉलो करेंगे, उनको हम लोग क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन है, ओके। तो सर सेकंड कंडीशन क्या है बेटा, सेकंड कंडीशन ये है कि इसका जो डेल्टा वी मिक्स है, क्या बेटा, डेल्टा वी मिक्स है, दैट इज चेंज इन मिक्सचर ऑफ वॉल्यूम जो है बेटा, ये हमेशा जीरो होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन ये है बेटा इसकी, दैट इज व्हाट, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, दैट इज व्हाट, डेल्टा एच मिक्स, इसकी भी वैल्यू क्या होना चाहिए बेटा, जीरो होना चाहिए। सर ये आपने कंडीशन तो बता दिए, लेकिन क्या होता है इन कंडीशन का मतलब, हमें कुछ समझा ही नहीं है, हर चीज समझने को चीजें। मैंने पहले क्या कहा बेटा, मैंने सबसे पहले कहा कि जो हमारा सॉल्यूशन, जो हमारे सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे, रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे, इट मींस दैट कि अगर मान के चलिए कोई सॉल्यूशन है, मान के चलिए कोई सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का अगर मान के चलिए कोई तो भी सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का मान के चलिए मैंने थ्योरेटिकली टोटल प्रेशर निकाला, मैंने क्या किया बेटा, थ्योरेटिकली उसका क्या निकाला बेटा, टोटल प्रेशर निकाला, दैट इज व्हाट, टोटल प्रेशर। लेकिन ये टोटल प्रेशर हम लोगों ने कैसे निकाले बेटा, थ्योरेटिकल निकाले, और उसके बाद हम लोगों ने निकाले टोटल प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन, लेकिन वो ऑब्जर्व था, क्या था बेटा, ऑब्जर्व था, ऑब्जर्व का मतलब आप समझते हो ना, जो हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, इट मींस दैट अगर मान लीजिए जो हमारा थ्योरेटिकल टोटल प्रेशर जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें समझ में तो आ जाएगा, जैसे सॉल्यूट है सॉल्वेंट है, इन दोनों को अगर हम लोग मिक्स करेंगे तो कहीं ना कहीं थ्योरेटिकली हम लोग की वैल्यू उसकी डिफाइन करेगी, इतना प्रेशर वहां पे उसने क्रिएट किया होगा, ऐसा नो, लेकिन ये थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग उसको एक्सपेरिमेंटली तो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हम एक जानना जरूरी है कि वहां भी जो हम इमेजिन कर रहे हैं, जो हम लोग कंसिडर करेंगे इतना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, इतना वहां पर टोटल प्रेशर क्रिएट होगा, इतना उस कंटेनर में टोटल प्रेशर जो है वो क्रिएट होगा, उतना हमें चेक भी तो करना पड़ेगा, और प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली या फिर ऑब्जर्व उतना हमारा प्रेशर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इन दैट केस अगर मान लीजिए जो टोटल प्रेशर है थ्योरेटिकल जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो अगर इक्वल आता है टोटल प्रेशर, दैट इज व्हाट, एक्सपेरिमेंटल जो हम लोग टोटल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, अगर ये चीज इक्वल आती है, लेकिन ये ऑब्जर्व कब पता चलेंगे, ये ऑब्जर्व तब भी पता चलेंगे जब प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूट प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्वेंट, इनके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन अ सॉल्यूशन, और इन दोनों की जो वैल्यू आनी चाहिए इसके बराबर आना चाहिए, इट मींस दैट इन दैट केस एट दैट टाइम हम लोग क्या बोलेंगे बेटा कि यहां पे अगर ये दोनों इक्वल आते तो उससे मैं बोलूंगा कि वो सॉल्यूशन किसको फॉलो कर रहा है बेटा, रॉस लॉ को फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है बेटा, रॉस लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है सर। ये तो समझ में आ गया कि इसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रेशर निकालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल प्रेशर मतलब ये टोटल प्रेशर के ऊपर डिपेंड है, बिकॉज रॉड्स लॉ था हमें वही एक्सप्लेन किया था, बराबर है ना, तो ये चीज हम लोग कर लेंगे। लेकिन सर ये डेल्टा वी में इसका मतलब क्या होता है, ये डेल्टा एच में इसका मतलब क्या होता है, आपने बोले कि डेल्टा वी में इसकी वैल्यू अगर जीरो होना चाहिए, डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू जीरो होना चाहिए, सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बेटा कि डेल्टा वी मिक्स, देखिए वी का मतलब होता है बेटा वॉल्यूम, वी का मतलब क्या होता है वॉल्यूम, मतलब मैं जहां पे वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, इट मीन दैट डेल्टा मतलब चेंज है, हाँ ना, इट मीन दैट मैं आपको बोल सकता हूं, दैट व्हाट, चेंज इन, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन, क्या कहा बेटा मैंने कि डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू जो है बेटा, क्या बेटा, डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है बेटा, वो जो वॉल्यूम है वहां पे, क्या है बेटा, हमारा वॉल्यूम है सॉल्यूट का रही है सॉल्वेंट का रही है इन सॉल्यूशन, वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, उनका वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। इट मींस दैट मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, समझने की कोशिश कीजिए, इसका मतलब यह है कि जैसे कि सपोज करते हैं, मान के चलिए मेरा सॉल्यूट है, मेरा क्या बेटा सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, यह हमें क्या देंगे बेटा, सॉल्यूशन देगा, ये क्या देगा हमें, सॉल्यूशन देगा। इट मीन दैट मैं यहां पे बोल सकता हूं, अगर सपोज करते सॉल्यूट का अगर मान लीजिए वॉल्यूम है 10 ml और सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वो भी है 10 ml, इट मीन दैट मैं ऐसा बोलूंगा कि यहां पे वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए, किसमें चेंज नहीं होना बेटा, वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है सॉल्यूट का वॉल्यूम अगर 10 ml है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम अगर 10 ml है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आना चाहिए, दैट इज व्हाट 10 + 10, दैट इज व्हाट 20 ml आना चाहिए, कितना आना चाहिए बेटा 20 ml आना चाहिए, कितना आना चाहिए 20 ml, दैट इज व्हाट, नो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम After the mixing of solute and solvent in a solution, या मैं लिख देता हूं, after
द मिक्सिंग, क्योंकि मिक्सिंग के बाद ही चेक करेंगे ना, आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। इट मीन दैट मान के चलिए मेरा सोल्यूट था, यहाँ पे 10 ml था, ये मेरा सोल्वेंट था, ये भी हमारा 10 ml था, ओके। इन दोनों को मैंने क्या किया बेटा, मिक्स किया, तो मुझे क्या मिला बेटा, सोल्यूशन मिला। तो सोल्यूशन में हम लोग का जो सोल्यूट है और सॉल्वेंट है, इनको मिक्स करने के बाद, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद हमारा सोल्यूशन मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया, तो उन दोनों का जो वॉल्यूम है बेटा, उन दोनों का जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होना चाहिए, उनका वॉल्यूम क्या नहीं होना चाहिए बेटा, चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर सोल्यूट 10 ml है, सॉल्वेंट 10 ml है, तो जो मेरा सोल्यूशन मिलेगा वो कितना बनना चाहिए बेटा, 20 ml बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए बेटा, 20 ml। सर इसमें कौन सी नई चीज है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा, सर इसमें कौन सी नई चीज है। सीधी सिंपल सी बात है, एक ग्लास मैंने पानी लिया, उसमें एक चम्मच शक्कर ऐड किया, तो वहां पे सीधा सिंपल सी बात है, उसका जो पहले वॉल्यूम था, मतलब सोल्यूट का जो वॉल्यूम है, हमारा जो वाटर उसका जो वॉल्यूम है, मतलब शुगर जो है उसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम मतलब समझ में आता है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दैट, मतलब दैट सब्सटेंस, ओके। तो मैं मान के चलिए कि मान के लिए शुगर है, मैंने इसको पानी में डाला, तो पानी का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, ये शुगर को मैं वहां पे डालूंगा, तो उसकी वजह से उसका भी वॉल्यूम वहां पे ऐड हो जाएगा। तो जो शुगर का वॉल्यूम है और जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, उन दोनों को मिला के हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलेगा, ऐसे सब कुछ लग रहा होगा। मैक्सिमम बच्चे यही सोचते हैं, लेकिन गाइस यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना, ऐसा हमेशा होता नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल दैट कि अगर मैं सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करूंगा, तो सोल्यूट का जितना वॉल्यूम है और सॉल्वेंट का जितना वॉल्यूम है, इन दोनों को ऐड करने में जो सॉल्यूशन है उसका भी वॉल्यूम उतना ही रहेगा। दैट इज व्हाट 10 ml, अगर ये है 10 ml ये है, तो इन दोनों को अगर मिला के मैं सॉल्यूशन बना दो, तो उसका वॉल्यूम भी 20 ml ही होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, इट मे बी आइदर, इट मे बी अ 20 बिलो और आइदर इट मे बी अबाउट 20, मतलब हो सकता है 19 ml हो सकता है, हो सकता है 21 ml हो सकता है, लेकिन वो 20 ml ही आएगा, ऐसा नहीं होता। और मैक्सिमम कंडीशन में डायरेक्टली बोल रहा हूँ बेटा कि वहां पर 20 ml, मतलब मान के चलिए सपोज कर रहे हैं ना हम लोग कंडीशन में क्या कर रहे हैं, तो ऐसा होगा ही नहीं कि सोल्यूट को और सॉल्वेंट को ऐड करने के बाद उनके जो वॉल्यूम को अगर मैं ऐड करता हूं, मतलब सोल्यूशन का जो वॉल्यूम चेक करूंगा, वो वॉल्यूम इन दोनों के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। सर ऐसा कैसे होता है बेटा, ऐसा कैसे होता है, ये आप लोगों को मैं सामने वाले कंडीशन में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोगों को याद रखना है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल तो इतना याद रखो बेटा, ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे वॉल्यूम हमेशा चेंज होता है, यहाँ पे वॉल्यूम हमेशा चेंज होता है। जो सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन में जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद जो हमारा सोल्यूशन बनेगा, तो उसका जो वॉल्यूम है ये हमेशा चेंज होता है, ये कभी भी एज यूजुअल नहीं है। लेकिन मैंने कहा बेटा देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, मतलब वहां पे वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है बेटा, डेल्टा बी मिक्स की वैल्यू कितनी आना चाहिए बेटा, जीरो आना चाहिए। अगर डेल्टा बी मिक्स की वैल्यू जीरो आएंगी, मतलब जो चेंज इन वॉल्यूम है उसके, वो वहां पे चेंज इन वॉल्यूम दिखेगा ही नहीं, मुझे कोई भी चेंज इन वॉल्यूम नहीं दिखेगा, तो ही मैं बोलूंगा बेटा कि वहां पे मैं बोल सकता हूँ डेल्टा बी मिक्स की वैल्यू कितनी आएंगी, जीरो आएंगी। तभी मैं बोलूंगा कि वो कौन सा सोल्यूशन है बेटा, आइडियल सोल्यूशन। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैं अभी भी बता रहा हूं बेटा, ऐसा होता नहीं है। सो गाइस इसके तरफ कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कीजिए, क्यों नहीं होता उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, बिकॉज ये सब चीजें डिपेंड करती है बेटा वहां पे जो इंटरेक्टिव फोर्सेस होते हैं, जो सोल्यूट है और सॉल्वेंट है उसके बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्सेस, उसके ऊपर मैक्सिमम चीजें डिपेंड करती है। कैसे होती है, क्या होती है, मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ, फिलहाल थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिकॉज चीजों को एक्सप्लेन आगे भी बढ़ना जरूरी है, ओके। तो बात करते हैं सबसे पहले, मैं देखिए मैं यहाँ पे वही कंडीशन मेंशन कर दिया हूँ, दैट इज व्हाट डेल्टा एच मिक्स, डेल्टा एच मिक्स की भी वैल्यू क्या होना चाहिए बेटा, जीरो होना चाहिए। डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू जीरो होना चाहिए, इट मीन दैट मैं वहां पे बोल सकता हूँ चेंज इन एंथैल्पी जो है बेटा, क्या बेटा वहां पे चेंज इन एंथैल्पी जो है बेटा वो कितनी होना चाहिए बेटा, जीरो होना चाहिए। चेंज इन एंथैल्पी कितनी होना चाहिए बेटा, जीरो होना चाहिए। दैट इज व्हाट, देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी, देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी आफ्टर the formation of solution, there is no change in enthalpy after the formation of solution, मतलब जब मैं solution बना लूंगा तो वहां पे change in enthalpy हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। It means that there is neither the reaction or the solution is neither exothermic nor endothermic. सर ये क्या होता है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, याद करने की कोशिश कीजिए बेटा, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कुछ तो भी याद है क्या, हाँ हमने थोड़ी बात इसके पहले लेक्चर में इसके बारे में बात की थी, दैट इज व्हाट, नाइदर लॉस ऑफ हीट, दैट इज नाइदर लॉस ऑफ हीट, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक एंड नॉर एब्जॉर्ब ऑफ हीट, जिसको हम लोग कहेंगे एंडो थर्मिक। सर यहां पे कुछ तो भी गड़बड़ है सर,
आपने यहाँ पे बोले कि देर इज नो चेंज, जब हमारा सोल्यूशन बनता है, जब हमारा सोल्यूशन बनता है तो देर इज नो चेंज इन एंथैल्पी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन, मतलब जब सोल्यूशन बनता है तो वहां पे चेंज इन एंथैल्पी हमें देखने को नहीं मिलता, मतलब ना तो वहां पे हीट एब्जॉर्ब होती है ना तो वहां पे हीट रिलीज होती है। सर इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज आपने इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं कि जब हमारा सोल्यूशन बनता है, क्या बनता है बेटा, सोल्यूशन बनता है तो वहां पे हमेशा हमें ये देखने को मिलता है कि एक तो वहां पे जो हमारा सोल्यूशन बनेगा वहां पे जो एक तो कंडीशन हमारे एक्सोथर्मी बनेगी, एक तो हमारी कंडीशन एंडोथर्मी बनेगी, मतलब एक तो हीट एब्जॉर्ब करेगा या फिर एक तो एक हीट क्या करेगा बेटा रिलीज करेगा। सर इट इज इम्पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में देख चुके हैं कि वहां पे कभी भी कंडीशन अगर हम लोग देखते हैं सोल्यूशन जब बनता है तो एक तो वहां पे हीट रिलीज होती है हीट एब्जॉर्ब होती है, दो कंडीशन है, दो के बाद वहां पे कंडीशन आएगी नहीं, तो मतलब वहां पे हीट एब्जॉर्ब होंगी या हीट रिलीज होंगी, इसका मतलब एक तो वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगी या फिर एक तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगी, मतलब वहां पे कभी भी डेल्टा एच की डेल्टा एच मिक्स वैल्यू जीरो आ सकती है नहीं, लेकिन हमने क्या बोले बेटा कि यहां पे डेल्टा एच मिक्स वैल्यू कितनी आना चाहिए जीरो आना चाहिए, डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू कितनी आना चाहिए बेटा जीरो आना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे कुछ आइडिया दिमाग में आ रही है। यस बेटा बिल्कुल मैं वही बोल रहा हूँ बेटा, वही आइडिया आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए। सर ये इम्पॉसिबल है, हाँ ठीक है, जहां पे हम लोग बात करते हैं एक आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन में अगर मैं बोल दिया कि वो रॉसलो को फॉलो करना, ठीक है सर ये चीज हम लोग थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर इट इज इम्पॉसिबल दैट कि डेल्टा मिक्स की वैल्यू जीरो आ सकती है और इट इज इम्पॉसिबल दैट कि डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू जीरो आ सकती है, ये इम्पॉसिबल है, ये दोनों कंडीशन इम्पॉसिबल है। अगर ये दोनों कंडीशन इम्पॉसिबल इट मीन दैट मैं ऐसा बोल सकता हूँ इट इज इम्पॉसिबल दैट कि इस पूरे यूनिवर्स में हमारा कोई सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, आइडियल सॉल्यूशन होगा कोई हमारा यूनिवर्स, इस पूरे यूनिवर्स में हम लोग ये बोल सकते क्योंकि ये कंडीशन तो फॉलो कर ही नहीं सकता ना कोई भी सॉल्यूशन कंडीशन, हाँ चलो ठीक है लॉस लॉ को फॉलो कर लेंगे, मतलब जो कंडीशन है टोटल प्रेशर ऑफ थ्योरेटिकल इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ जो हमारा ऑब्जर्व टोटल प्रेशर जो है वो इक्वल आ जाएगा, चलो ठीक है इट इज ओके विद दैट कि वो रॉल्स लॉ को फॉलो कर लेगा, लेकिन सर इट इज इम्पॉसिबल दैट कि वो डेल्टा वी मिस की वैल्यू जीरो आएगी, बिकॉज जरूरी तो ये नहीं है कि हम लोग अगर 10 ml सॉल्यूट और 10 ml, मैं अभी बोला थोड़ी देर पहले भी बोला था कि यहाँ पे कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये वाली भी कंडीशन फॉलो कर सकता है, क्योंकि जितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होगा जितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होगा उन दोनों के मतलब जो सॉल्यूशन हमारा बनेगा उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, बस मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं, डोंट वरी इसको एक्सप्लेन करने वाला, लेकिन डोंट फॉरगेट दैट कि ये भी इम्पॉसिबल है कि वहां पे उसका सॉल्यूशन जो बनेगा उसका जो वॉल्यूम है बेटा चेंज नहीं होगा, चलो ठीक है सर ये भी फॉलो कर लिया लेकिन सर मैं ये गारंटी बोल सकता हूँ ये तीसरी कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। सर क्यों नहीं करेगा? सर हम लोग जानते हैं ना, इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं ना कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन बनता है वहां पे तो हीट रिलीज होती है हीट एब्जॉर्ब होती है, तो सर ये तो पॉसिबल नहीं है कि वहां पे नाइदर लॉस ऑफ हीट नॉट एब्जॉर्ब ऑफ हीट ये दो कंडीशन आएंगे, इट मींस दैट वहां पे डेल्टा एच मिक्स वैल्यू तो कभी जीरो नहीं हो सकती और ये जीरो नहीं हो सकती, इसका मतलब वो सॉल्यूशन तो आइडियल हो ही नहीं सकता। यस गाइस आप सही सोच रहे हो, इट इज इम्पॉसिबल दैट इस पूरे यूनिवर्स में हम लोग बात करेंगे कि ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है जो आइडियल नहीं है, ऐसा कोई भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है बेटा जो आइडियल है, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन है ही नहीं। हाँ नियरर टू द आइडियल सॉल्यूशन है, एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, नियरर टू द आइडियल सॉल्यूशन है, मतलब कंप्लीटली आइडियल सॉल्यूशन नहीं, लेकिन वो नियरली आइडियल सॉल्यूशन, नियरली का मतलब जानते हो ना, नियरली मतलब एग्जैक्टली थोड़ा सा पास पास में हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि उनके वैल्यू थोड़े बहुत आस पास में होते हैं, डेल्टा एच डेल्टा बी मीन्स की वैल्यू या डेल्टा एच मीन्स की वैल्यू, इनकी जब वैल्यू हम लोग निकालते तो ये आस पास लगभग थोड़ी सी पास पास में देते 0.01 0.02 ऐसे सब लगभग आसपास आई हुई वैल्यू होती है, लेकिन बेटा एग्जैक्टली उतनी वैल्यू आती नहीं है, इसी वजह से हम लोग बोलेंगे कि इस यूनिवर्स में कोई भी सॉल्यूशन हमारा आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। तो सर ये तो ठीक है हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन इसके बारे में क्या, तो गाइस हम लोग इन दोनों को फिर से एक बार देखेंगे, इनकी प्रॉपर कंडीशन देखेंगे एक्चुअली क्या होता है, देखते थोड़ा सा बात करते ठीक ओके। So guys, इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग कुछ बातें और इसके बारे में बात करेंगे, देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन क्यों नहीं हो सकते हमारे। ओके सो गाइस देखते हैं, देखिए बेटा मैं बात कर रहा हूं चेंज इन एंथैल्पी की, इसकी बात कर रहा हूं बेटा चेंज इन एंथैल्पी। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन हमारा जो बनता है एक तो एक्सोथर्मिक कंडीशन क्रिएट करेगा या एंडोथर्मिक, बिकॉज जो डिसोल्यूशन होगा एक तो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं ये एक मेरा कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारा सोल्यूट है, इस कंटेनर में क्या बेटा मेरा सोल्यूट की पार्टिकल है, किसके पार्टिकल है बेटा सोल्यूट के पार्टिकल है, इज दैट क्लियर? ध्यान समझने की कोशिश कीजिए बेटा, समझने की कोशिश कीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके यहाँ पे हमारा सोल्यूट है, सोल्यूट मान के चलिए एक्स एक्स है, सोल्यूट क्या बेटा हमारा एक्स एक्स है, ये हमारा दूसरा कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारा सॉल्वेंट है,
जिसको हम लोग नाम ले लेते हैं बाय बाय। एज यू नो दैट बात ऐसी है कि जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, एक सोल्यूशन बन जाएगा, ऐसा नो ये मेरा सोल्यूट है, ये मेरा सोल्वेंट है, समझ लीजिए कुछ कहिए, ये मेरा सोल्यूट है, ये मेरा सोल्वेंट है, और ये मेरा क्या बेटा सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, ये दोनों यहां से देखो, यहाँ पे एक्स एक्स के बीच में बॉन्ड होगा, यहाँ पे वाई वाई के बीच में बॉन्ड होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दैट इज व्हाट, एक्स वाई के बीच में बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई के बीच में बॉन्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं तो हमारा सोल्यूशन बनेगा ना। सोल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाना, ऐसा नो। अब ध्यान से ना मैंने क्वेश्चन बेटा बात कर रहा हूं मैं, अब देखिए मैं बोल रहा हूँ बेटा चेंज इन एंथैल्पी की बात करो, किसकी बात करो बेटा, चेंज इन एंथैल्पी, जो चेंज इन एंथैल्पी है बेटा, चेंज इन एंथैल्पी मतलब वहां पर कोई भी चेंज इन एंथैल्पी नहीं होना चाहिए, मतलब नाइदर लॉस ऑफ हीट नॉट एब्जॉर्ब ऑफ हीट होना चाहिए। लेकिन बेटा सीधी सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिए, अब क्या होगा कि हम आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि वहां पे डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू जो है वो जीरो आना चाहिए, किसकी वैल्यू जीरो होना चाहिए, डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू जीरो आना चाहिए। अब ध्यान दीजिए समझने की कोशिश करते हैं, अब होगा क्या बेटा, ये वैल्यू जीरो तभी आएगी, ये वैल्यू क्या होंगे बेटा, तभी जीरो आएगी जब, समझने की कोशिश कीजिए, ये वैल्यू कब जीरो होंगे समझने की कोशिश करिए। अब हम लोग जानते हैं कि ये बात समझने के लिए थोड़ा सा और एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब लोगों ने सुने होंगे, किसके बारे में, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या होता है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, ये 11th कक्षा में हमारे हो चुके हैं, जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में क्या होता है बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन कौन से होते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, याद होगा आप लोगों को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लंडन फोर्सेस होते हैं, वंडर वॉल्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, याद है ना कि मॉलिक्यूल के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है, ऐसा हो ना, इट मीन दैट उनके बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट मीन दैट बॉन्ड तोड़ने के लिए और बॉन्ड जोड़ने के लिए भी एनर्जी लगेंगी, बॉन्ड तोड़ने के लिए और बॉन्ड जोड़ने के लिए भी एनर्जी लगेगी। इट मीन दैट मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू तभी जीरो हो सकती है, डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू तभी जीरो हो सकती है जब मान के चलिए कि यहां पे एक्स एक्स को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगेंगी, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेंगी, जितना फोर्स लगेगा, जितनी ताकत लगेंगी, इस एक्सएस के बीच में जो बॉन्ड है बेटा उसको तोड़ने लगी हुई, अगर ये एक्सएस और वाई वाई के बीच में बॉन्ड टूटेगा नहीं तो एक्स वाई के बीच में बॉन्ड बनेगा क्या नहीं। इट मीन दैट अगर यहाँ पे एक्सएस के तोड़ने के लिए, एक्सएस को तोड़ने के लिए उसके अमाउंट मतलब वहां पे देखिए एक्सएस के बीच में जो बॉन्ड है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी, जितनी ताकत लगेगी, जितना अमाउंट लगेगा, उतना ही इस वाई को भी तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी, जितना अमाउंट लगेगा, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा बेटा, इन दोनों को तोड़ने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितना अमाउंट ऑफ फोर्स, जितना ताकत लगेगा, उतना ही अगर ये एक्स वाई को जोड़ने के लिए एनर्जी लगती है, जितना इन दोनों को तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी उतना ही, अगर सीधी सिंपल से बात है ना, ये टूटने के बाद तो जुड़ेंगे ना, हाँ ना, इट मीन दैट जितना इन दोनों को तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी उतना ही इन दोनों को जोड़ने के लिए एनर्जी लगना चाहिए बेटा, तभी क्या हो जाएगा कि इधर की एनर्जी इक्वल टू इधर की एनर्जी हो जाएगी। इट मीन दैट मैं बोलूंगा कि चेंज इन जो एंथैल्पी बेटा, मतलब जो मिक्सचर है, चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएंगे, बिकॉज जितना इसको तोड़ने के लिए उतना इसको क्या लगना चाहिए बेटा, जोड़ने के लिए एंथैल्पी, ध्यान दीजिए मैं क्या बोलने की कोशिश करूं बेटा, जितनी इसको तोड़ने के लिए एनर्जी लगी उतनी इसको जोड़ने के लिए एनर्जी लगना चाहिए। ये जब होगा, जितनी एनर्जी इसको तोड़ने के लगेंगे, जितनी एनर्जी इसको जोड़ने के लगेंगे, ये दोनों का इक्वल है, दोनों के चेंज मतलब जो है बेटा, इसको जोड़ने के लगने वाली एनर्जी, इसको तोड़ने के लगने वाली एनर्जी, ये जब इक्वल हो जाएगा ना, तभी डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी, और इन दैट केस मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, आइडियल हो जाएगा। इन दैट केस हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, आइडियल हो जाएगा। लेकिन गाइस ये बात कभी मत भूलिए, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज कि होता क्या बेटा कि सपोज करते हैं कि आप देखिए ऐसा ऐसा हमारा कोई तो भी सॉल्यूट है, मतलब कोई तो भी कंपाउंड, इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरैक्टिव फोर्सेस है, ये वाला कोई तो भी कंपाउंड ऑलरेडी, इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरैक्टिव फोर्सेस है, अब इन दोनों को मिला के हमारा सॉल्यूशन बनने वाला है। अब जरूरी थोड़ी है कि ये जो हमारे यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्यूट के जो हमारे पार्टिकल है, जो एक दूसरे का सॉल्यूशन बना रहे वाले, इन दोनों के बीच में हमेशा अट्रैक्शन ही होगा या हमेशा रिपल्शन ही होगा, जरूरी तो नहीं है ना, बिकॉज ये दोनों लविंग टू ईच अदर है या नहीं, ये भी तो मैटर करता है। सीधा सिंपल सी बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए मेरा एक ग्रुप है फ्रेंड्स का, मेरा एक दूसरा मतलब एक दूसरा हमारी कॉलेज है, कॉलेज में दो ग्रुप है, एक मेरा ग्रुप है मेरा फ्रेंड सर्कल के साथ, दूसरा मेरा एक दुश्मन है उसका फ्रेंड सर्कल का ग्रुप तो भी है। ओके, मान लीजिए हमारा मेरे ग्रुप के साथ मेरा ब्रेकडाउन हो गया, उसका उससे ग्रुप के साथ ब्रेकडाउन हो गया, और हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करना चालू किए। लेकिन मुझे बताइए, अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ अगर रहते हैं, क्या जरूरी है
कि हमारे इधर से ब्रेकडाउन होने के बाद हम दोनों की जो दोस्ती बनेगी वो स्ट्रॉन्ग ही होंगी या स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, हम लोग बोल सकते हैं नॉट लाइक दैट वे सेम ईयर। यहाँ पे भी कंसेप्ट वही होता है बेटा कि इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरप्टिव फोर्स है, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरप्टिव फोर्स है, लेकिन इन दोनों के बीच में बॉन्ड टूटने के बाद जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव होंगे या एक दूसरे से रिपल ही होंगे ये हम बोल नहीं सकते। मतलब दे आर लविंग विद ईच अदर ये हम लोग बोल नहीं सकते, और अगर ये हम बोल नहीं सकते इट मीन दैट यहाँ पे इसको तोड़ने के लिए लगने वाली और इसको जोड़ने के लिए एनर्जी जो लगने वाली ये सेम होंगी हम लोग बोल नहीं सकते, और ये अगर हम लोग बोल नहीं सकते इसका मतलब डेल्टा एच में इसकी वैल्यू भी जीरो आएंगी, हम लोग बोल नहीं सकते। इट मीन दैट वैसे होता ही नहीं है बेटा ऐसा कभी, एक तो आप इनके बीच में इंटरेक्शन एकदम ज्यादा होता है या फिर इंटरेक्शन जो होता है बेटा कम होता है, लेकिन इक्वल कभी भी होता नहीं है। दैट इज व्हाई डेल्टा एच में इसकी वैल्यू कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होती है, और अगर ये इक्वल टू जीरो नहीं होती है इसी वजह से हम लोग बोल सकते कि हमें आइडियल सोल्यूशन मिलना इम्पॉसिबल। इट मीन दैट कोई भी इस यूनिवर्स में सोल्यूशन आइडियल नहीं है। आई थिंक सो ये कंडीशन आप लोगों को समझ में आ चुकी है ऐसा नो। अब दूसरी बात सर आपने बोले थे कि डेल्टा वी में इसकी वैल्यू जो है ये डेल्टा वी में इसकी वैल्यू भी जीरो आना चाहिए। हाँ बेटा अगर वो जीरो आना चाहिए इसका मतलब क्या होना चाहिए, जो वॉल्यूम है बेटा वो इक्वल आना चाहिए। अब देखते हैं थोड़ा सा बात करते हैं फिर से ऐसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए ये हमारा कंटेनर है ओके, यहाँ पे हमारा सोल्यूट है जो एक्स एक्स बॉन्ड बना हुआ है ओके, यहाँ पे हमारा एक सोल्यूट सॉल्वेंट है ओके जो वाई वाई है ओके, क्या है वाई वाई है, और ये हमारा सोल्यूशन बना रहा है, क्या बना रहा है बेटा सोल्यूशन दैट इज एक्स वाई एक्स वाई। अब मुझे बताइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है बेटा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्टिव फोर्सेस होते हैं, मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है बेटा इंटरेक्टिव फोर्सेस होते हैं। अब बात ऐसी है कि जब ये एक्स एक्स के साथ बॉन्ड बना हुआ है तो इसके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा, वाई वाई के बीच में बॉन्ड बना हुआ इसका मतलब इसके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा। अब इन दोनों को जब मैंने मिलाया तो मेरा एक्स वाई बना, एक्स वाई बना। अब बात ऐसी बेटा कि यहां पे जो अट्रैक्शन है इसके बीच में बेटा एक्स और वाई के बीच में अट्रैक्शन है, इसके बीच में अट्रैक्शन है बेटा एक्स और वाई के बीच में अट्रैक्शन है। अब बात ऐसी बेटा जब एक्स इसका अट्रैक्शन था तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन होगा, मतलब प्रॉपर अट्रैक्शन डिसाइडेड या फिर मतलब डिफाइंड अट्रैक्शन होगा, वाई वाई के बीच में एक प्रॉपर डिसाइडेड अट्रैक्शन होगा। लेकिन बात कैसे बेटा जब एक्स एक्स के साथ जो अट्रैक्शन है वाई वाई के साथ जो अट्रैक्शन है वही सेम अट्रैक्शन किसके बीच में होना चाहिए बेटा एक्स और वाई के बीच में होना चाहिए। लेकिन मुझे बताइए एक्स और वाई ये तो अलग अलग है ना, एक्स और वाई ये अलग अलग है, इसका मतलब इसके बीच में देखिए इंटरेक्टिव फोर्सेस एक तो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं या फिर वीक हो सकते हैं, बराबर है ना, इंटरेक्टिव फोर्सेस एक तो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं या फिर वीक हो सकते हैं। अगर मान के लिए इंटरेक्टिव फोर्सेस अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये वाला जो पार्टिकल और ये वाला जो पार्टिकल है इनके बीच में अगर इंटरेक्टिव फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये एकदम क्लोजली पैक हो जाएंगे, एकदम एक दूसरे की तरफ कॉम्पैक्ट हो जाएंगे ऐसा हो। लेकिन अगर यही पे इंटरेक्टिव फोर्सेस अगर वीक है मतलब एक दूसरे का अगर लविंग नहीं है इसका मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये पार्टिकल एक तो अगर इंटरेक्टिव मतलब जो अट्रैक्शन है एकदम स्ट्रॉन्ग होगा तो ये पास में आएंगे, अगर अट्रैक्शन जो बेटा वीक है तो एक दूसरे से दूर रहेंगे, इसका मतलब इसका वॉल्यूम एक तो कम होगा या फिर एक तो वॉल्यूम इसका ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे सेम इंटरेक्शन नहीं है, सेम अट्रैक्शन नहीं है। देखिए यहाँ पे एक्सएस के बीच में था या फिर वाई वाई के बीच में था, तो अगर मान के लिए एक्सएस और वाई वाई का अट्रैक्शन जितना है उतना ही अट्रैक्शन अगर एक्स वाई का है, अगर इसके बीच में जितना अट्रैक्शन है उतना ही अट्रैक्शन अगर एक्स वाई के बीच में है, तो ही मैं बोलूंगा कि यहाँ पे डेल्टा वी में इसकी वैल्यू क्या होंगी बेटा जीरो होंगी। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ बेटा, अभी थोड़ी देर मैंने पहले एक्सप्लेन किया था बेटा यहाँ पे जो अट्रैक्शन था एक्स के बीच में था वाई वाई के बीच में था, लेकिन जब एक्स और वाई जो हम लोगों ने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया सोल्यूशन जो बना था यहाँ पे एक्स वाई के बीच में बॉन्ड बना, मतलब अट्रैक्शन जो है किस बीच में बेटा एक्स वाई के बीच में बना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो एक्स वाई के बीच में जो अट्रैक्शन बनेगा ये उतने होगा, एक तो ये ज्यादा होगा या फिर एक तो कम होगा, इस ना एस और नो, बिकॉज एस और वाई एक दूसरे के लविंग हो सकते हैं या फिर लविंग नहीं हो सकते। लविंग होंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, इसका मॉड्यूल हाँ है ना, लविंग होंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा मतलब उनका वॉल्यूम और कम हो जाएगा, एकदम वो एकदम क्लोजली पैक हो जाएंगे ना, एकदम पास में जाएंगे, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एकदम पास में आ जाएंगे, लेकिन अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, मतलब एक तो वॉल्यूम कम होगा या फिर एक तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। लेकिन वॉल्यूम इक्वल हो सकता है, जितना बेटा इसके बीच में अट्रैक्शन है उतना अट्रैक्शन इसके बीच में अगर नहीं होगा इट मीन दैट जितना इसका वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम इसका होगा क्या नहीं होगा, एक तो वॉल्यूम कम होगा या फिर वॉल्यूम ज्यादा होगा। दैट इज व्हाई मैंने बोला बेटा कि इस यूनिवर्स में ऐसा कोई भी सोल्यूशन नहीं जो प्रॉपरली आइडियल है, हाँ नियरली आइडियल है, क्या है बेटा नियरली आइडियल लेकिन प्रॉपर आइडियल नहीं है, बिकॉज डेल्टा बी मिक्स या डेल्टा एच मिक्स इसकी वैल्यू इक्वल टू जीरो नहीं आती है, एक तो लगभग आ सकती है, इसी वजह से मैंने बोला नियरली आइडियल सोल्यूशन है, नियरली आइडियल सोल्यूशन है, वी एक्सेप्टेड दैट नियरली आइडियल सोल्यूशन है, लेकिन आइडियल सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज वॉल्यूम जो है बेटा ये इक्वल टू जीरो, मतलब चेंज इन वॉल्यूम जो है बेटा इक्वल टू जीरो नहीं आ सकता है,
चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू जीरो नहीं आ सकता है, आसपास आ सकता है लेकिन इक्वल टू जीरो नहीं आ सकता, बिकॉज ऑफ दैट मैंने कंडीशन एक्सप्लेन किया, इट डिपेंड्स ऑन इंटरैक्टिव फोर्सेस, डिपेंड्स ऑन इंटरैक्टिव फोर्सेस। सब किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, उसकी एंथैल्पी भी और उसका वॉल्यूम भी। इज दैट क्लियर? दैट इज वाई हम बोल सकते हैं कि कोई भी सोल्यूशन हमारा क्या नहीं बेटा, आइडियल सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि कुछ एग्जाम्पल है जो हमारे नियरली आइडियल है, क्या बेटा मतलब कुछ ऐसे सोल्यूशन है जो हमारे नियरली आइडियल है, तो ऐसे कौन से सोल्यूशन है जो हमारे नियरली आइडियल है? यस राइट, वहां का मेरे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मैं मान के सकता हूँ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, ये जो सोल्यूशन बनेगा बेटा यहाँ पे जो हमारा मतलब जो कंडीशन है बेटा, इनकी जो कंडीशन होती है वो नियरली आसपास होती है आइडियल सोल्यूशन की, इसी वजह से ये नियरली आइडियल सोल्यूशन है, प्रॉपरली एग्जैक्ट आइडियल सोल्यूशन नहीं, नियरली आइडियल सोल्यूशन है। ओके, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं मान के चलो क्लोरो क्लोरो इथेन एंड ब्रोमो इथेन, ओके ये उसका एग्जाम्पल है। उसके बाद थर्ड वन हम लोग बोल सकते हैं जैसे बेंजीन एंड टोलुइन, ये कुछ एग्जाम्पल है बेटा जो हमारे नियरली आइडियल सोल्यूशन है, नॉट अ एग्जैक्टली आइडियल सोल्यूशन। सो गाइस क्या होते हैं हमारे आइडियल सोल्यूशन? आइडियल सोल्यूशन हम लोग उन्हें कहेंगे जिसका जो फॉलो करता है या वो भी करता है, विच वन रॉस लॉ को, दूसरा डेल्टा वी मिस क्यूल कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, थर्ड वन डेल्टा एच मिस क्यूल कितना होना चाहिए बेटा, जीरो हो सकते, लेकिन एज वी नो दैट रॉस लॉ को अगर फॉलो कर भी लेगा लेकिन डेल्टा वी मिस क्यूल जीरो नहीं आ सकती, बिकॉज वॉल्यूम एक तो कम होगा या फिर ज्यादा होगा। ओके एग्जैक्टली, क्योंकि पार्टिकल एक तो क्लोजली पैक होंगे या फिर थोड़ा सा रिपेल करेंगे, तो वॉल्यूम एक तो कम होगा या फिर ज्यादा होगा पार्टिकल्स का इंटरैक्टिव फोर्सेस की वजह से। इट मीन दैट दूसरा चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू जीरो नहीं हो सकती, बिकॉज जितना तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी उतनी जोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज एक तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एनर्जी रिलीज करता है, एंडोथर्मिक हो सकता है या फिर एक्सोथर्मिक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट कि यहाँ पे भी हमारा चेंज इन एंथैल्पी इक्वल नहीं हो सकता, मतलब जितनी तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी उतना जोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी, ये भी हम लोग बोल नहीं सकते। दैट इज व्हाई हम ये डायरेक्टली बोल रहे हैं बेटा ये कंडीशन फॉलो नहीं करता है, कोई भी सोल्यूशन कंडीशन फॉलो नहीं करता, दैट इज व्हाट रॉस लॉ को फॉलो करना, डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू जीरो आना और डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू जीरो आना, सो दैट इज हम बोल सकते हैं कि देर इज नो सोल्यूशन विच इज एक्सैक्टली आइडियल सोल्यूशन, बट देर आर सम सोल्यूशन विच आर नियर टू द आइडियल सोल्यूशन। आई होप सो गाइस ये आइडियल सोल्यूशन वाला कंसेप्ट आपको समझा है, अगर ये गाइस आइडियल सोल्यूशन वाला कंसेप्ट नहीं समझा ना, आई गारंटेड आपको नॉन आइडियल वाला कंसेप्ट नहीं समझेगा। सो गाइस इसको बहुत ही अच्छे समझने की कोशिश कीजिए, एक एक छोटी छोटी पार्ट का ऐसे बताई हुई चीजों को कॉन्सेंट्रेशन से सुनने की कोशिश कीजिए। ओके तो इस चीज को आप लोगों को आज के लेक्चर में हम लोग इसको फिलहाल के लिए यहाँ पे रोक देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए जिनको अगर आइडियल सोल्यूशन समझना, उनको नॉन आइडियल समझना कोई बड़ी बात नहीं है, इसी वजह से इस लेक्चर को इस वीडियो को यहाँ पे रोक देते हैं आइडियल सोल्यूशन में। ओके और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेटा नॉन आइडियल सोल्यूशन, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे गाइस।